नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों, आज वीडियो का विषय है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन एक प्रकार का केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट है जो मेटाबॉलिक क्रिया के दौरान बनता है, जिसे किडनी फिल्टर करके बाहर करते रहता है। जब किडनी अपना काम सही रूप से नहीं करता तो क्रिएटिनिन ब्लड में बढ़ने लगता है। यह अवस्था किडनी फेल होने के कारण होता है। हमारी ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा 0.6 से 1.2 रहता है, पर किडनी की बीमारी हो जाने पर यह लेवल बढ़ने लगता है और कई लक्षण आने लगता है, जैसे थकान या फिर सोने में दिक्कत, सही रूप से नींद नहीं आती, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, फेस में स्वेलिंग हो जाती है, रिस्ट में, कलाई में, घुटना में या फिर पेट में सूजन होने लगता है, लोअर बैक पेन यानी पीठ के जो निचली हिस्सा है जहाँ पर किडनी स्थित रहता है वहाँ दर्द होता है, फिर जो पेशाब का जो फ्रीक्वेंसी है या यूरिन आउटपुट है वह भी चेंज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा जब बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके अलावे मितली, बार बार उल्टी जैसा लगता है या उल्टी होने लगता है। दोस्तों, यह है क्रिएटिनिन बढ़ने का लक्षण। दोस्तों, अब क्रिएटिनिन कंट्रोल करने का कुछ खास होम्योपैथ दवा को बताने जा रहा हूं। सबसे जो मुख्य दवा है सेरम एनगुलिया। सेरम एनगुलिया 6x पावर का सेवन करेंगे। क्रिएटिनिन या किडनी फेल्योर का एक खास दवा है। साथ ही पेशाब बहुत कम बनता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पेशाब में एल्बुमिन आने लगता है पर शरीर में सूजन नहीं रहता। यदि इस तरह का लक्षण है तो सीरम एनगुलिया 6x पावर में 5-5 बूंद करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात में सेवन करेंगे तो क्रिएटिनिन कंट्रोल होने लगेगा। अगले दवा है क्यूप्रम आर्सेनिटिकम। क्यूप्रम आर्सेनिटम 3x का सेवन करेंगे। यदि क्रिएटिनिन बढ़ने के साथ पेशाब में लहसुन की तरह गंध आता है तो उसका मुख्य दवा क्यूप्रम आर्सेनिटम होगा। क्यूप्रम आर्सेनिटम 3x 1 टैबलेट करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात सेवन करेंगे तो क्रिएटिनिन कंट्रोल हो जाएगा। अगली दवा है क्यूप्रम एसेटिकम। क्यूप्रम एसेटिकम 3x का सेवन करेंगे। यदि क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने के साथ है, रोगी की सांस लेने में दिक्कत होता है या सूखी खांसी होती है, रोगी में खून की कमी रहती है, उसके जीभ पर एक पीला लेप सा बना रहता है, रोगी ठंड का अनुभव करता है और उसे खाने पीने के समय उल्टी होने की शिकायत रहती है, यदि इस तरह का लक्षण है तो क्यूप्रम एसेटिकम 3x 1 टैबलेट करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात सेवन करेंगे तो क्रिएटिनिन कंट्रोल हो जाएगा। अगली दवा है एरेलिया हिस्पीडा। एरेलिया हिस्पीडा 30 नंबर का सेवन करेंगे। ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के साथ पेशाब कम बनता है या पेशाब बनता ही नहीं, इसके साथ किडनी के जो एरिया है वहां सूजन रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और रोगी को कब्ज रहने लगता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो एरेलिया हिस्पीडिया 30 नंबर चरचर बूंद करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात सेवन करेंगे तो क्रिएटिनिन कंट्रोल होने लगेगा। अगली दवा है एम्पिलोप्सिस। एम्पिलोप्सिस 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि क्रिएटिनिन बढ़ने के साथ ब्लड में यूरिया भी बढ़ जाता है, जिसके कारण रोगी को उल्टी होती है, ठंडा पसीना आते रहता है और रोगी में बेहोशी का दौरा पड़ने लगता है, यदि इस तरह का लक्षण है तो एम्पिलोप्सिस 30 नंबर 2-2 बूंद करके 4 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात सेवन करेंगे तो क्रिएटिनिन कंट्रोल हो जाएगा।
अगली दावा है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी क्रिएटिनिन का एक खास दवा है। इसके रोगी को पेशाब बहुत कम बनता है, पेशाब बिल्कुल डार्क कलर का रहता है, पेशाब में एल्बुमिन या पस सेल पाया जाता है, पेशाब में जलन रहता है, पेशाब करने के बाद पेट में एक कमजोरी जैसा अनुभव होता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो आर्सेनिक एल्बम 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो क्रिएटिनिन कंट्रोल होने लगेगा। अगली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 नंबर का सेवन करेंगे। लाइकोपोडियम क्रिएटिनिन करने का एक कारगर दवा है। जब पेशाब में लाल रंग का सेडिमेंट बैठता है, पेशाब में ब्लड का सेल पाया जाता है या पेशाब का रंग सफेद रहता है, पेशाब गर्म रहता है और पेशाब करने के समय बहुत तेज दर्द रहता है, पेशाब की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है और दाएं तरफ की किडनी ज्यादा प्रभावित होती है, किडनी की बीमारी के साथ नपुंसकता भी रहता है, रोगी गर्म खाना या पीना ज्यादा पसंद करता है। यदि इस तरह का लक्षण रहे तो लाइकोपोडियम 30 नंबर दो दो बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो क्रिएटिनिन कंट्रोल हो जाएगा। अगली दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका 3x का सेवन करेंगे। यदि क्रिएटिनिन बढ़ने के साथ रोगी को प्यास बहुत कम लगता है, पेशाब कम बनता है और पेशाब में पेशाब थोड़ा थोड़ा और बार बार होता है, पेशाब करते समय दर्द और जलन होता है, पूरी शरीर में सूजन हो जाता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, सभी लक्षण गर्म से बढ़ता है और ठंडा से आराम मिलता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो एपिस मेलिफिका 3x चरचर बूंद करके 4 बार सुबह दोपहर शाम रात सेवन करेंगे तो क्रिएटिनिन कंट्रोल होने लगेगा। अगली दवा है कैंथ्रिस। कैंथ्रिस 30 नंबर का सेवन करेंगे। किडनी फेल्योर की अवस्था में जहां पेशाब नहीं बनता है, यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब नहीं रहता है, फिर भी ऐसा अनुभव होता है कि पेशाब लगा हुआ है, पेशाब की नली में जलन होते रहता है, इन लक्षण के साथ यदि क्रिएटिनिन बढ़ता है तो कैंथ्रिस 30 नंबर दो दो बूंद करके 4 बार सुबह दोपहर शाम रात सेवन करेंगे तो क्रिएटिनिन कंट्रोल हो जाएगा। अगली दवा है टेरेविंथ। टेरेविंथ 30 नंबर का सेवन करेंगे। ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने के कारण रोगी को बेहोशी के दौरान आने लगता है, पूरी शरीर में कन्वल्शन होने लगता है और पेशाब में रक्त यानी ब्लड पाया जाता है तो टेरेविंथ 30 नंबर दो दो बूंद करके 4 बार सुबह दोपहर शाम रात सेवन करेंगे तो क्रिएटिनिन कंट्रोल होने लगेगा। अगली दवा है एलेन का 87 नंबर का ड्रॉप। एलेन 87 ड्रॉप आधे कप पानी में 10-10 बूंद दवा का सेवन 3 बार सुबह दोपहर शाम करेंगे तो क्रिएटिनिन बहुत तेजी से कंट्रोल होने लगेगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए,